अस्सलाम वालेकुम। मैं जीशान हसन हूँ और आप लोग अकाउंटेंसी का चैनल देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे एसेट सीलिंग टेस्ट IAS 19, इनिशियल पॉइंट ऑफरिंग्स, नॉन गैप एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, जो के आप कह लें ये आपके SBR के करंट इशू के लिए एक हॉट टॉपिक है जो कि आ सकता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या गपशप करने जा रहे हैं। हम लोग गपशप करने जा रहे हैं कि एसेट सेलिंग टेस्ट अगर IAS 19 में आ जाए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में एक्सप्लेन करेंगे किस तरह कितने सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, फॉर स्टैंडर्ड्स जो हैं और उनके प्रिंसिपल जो हैं वो रेलेवेंट हो सकते हैं टू एन अकाउंटिंग इशू। ठीक है, इन केस ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफरिंग्स ऑब्वियसली। और फाइनली हम लोग कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर सिनेरियो देखेंगे। तो इस वीडियो में जो है ये सारे कॉम्प्लेक्स एरियाज जो हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और जनाब एज एन कैंडिडेट यानी कि SBR के कैंडिडेट होने की वजह से आप जो है SBR में जो है ना क्वेश्चंस के रट्टे नहीं लगा सकते, या जो इन्फॉर्मेशन आपने आर्टिकल में पढ़ ली या बुक में पढ़ ली उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते टेक्स्ट बुक आंसर्स को। ठीक है, आपको रेलेवेंट प्रिंसिपल का पता होना चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो कि आपको एक क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो एक कंडीशन जो कि है ICO के ऊपर आपको जो है आनी चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात कि इस क्वेश्चन में आपको जो है वो प्रोफेशनल मार्क्स अवॉर्डेड नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल मार्क्स नहीं होंगे इसके अंदर। खैर, एसेट सीलिंग टेस्ट के ऊपर आते हैं। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन अकाउंटिंग इज जनरली एक कॉम्प्लेक्स एरिया। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स एरिया है अकाउंटिंग का, और टेस्ट जो है सेलिंग टेस्ट की वो पॉसिबली जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया IAS 19 का। IAS 19 यहाँ पे क्या कहता है आपको, IAS 19 कहता है कि एम्प्लॉयर को कंसीडर करना है, इन एम्प्लॉयर टू कंसीडर द रिकवरेबिलिटी ऑफ एनी सच सरप्लस एंड देयर मस्ट बी इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, कि IAS 19 को एम्प्लॉयर के की रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉयर कंसीडर करे रिकवरेबिलिटी ऑफ कोई भी सरप्लस अगर आता है और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या आना है। फॉर एग्जांपल रिड्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन है या कैश रिफंड आ रहे हैं तो ज़ाहिर है कंपनी को फायदा हो रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटिटी शुड रिकग्नाइज अ नेट पेंशन एसेट इन सच केसेस बिकॉज द एंटिटी कंट्रोल अ रिसोर्स एंड दैट कंट्रोल इज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। ठीक है, ये हमने IAS 19 में पढ़ा भी है कि भाई आपने उसको हम लोग एसेट क्यों लेके कर रहे होते हैं कि भाई रिड्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से या कम कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से या रिफंड मिलने की वजह से जो है वो आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है। ठीक है, या आपकी रिसोर्सेज बच रही हैं तो वो आपका एसेट हो गया। तो ये है एसेट सेलिंग टेस्ट। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और सिनेरियो आ सकता है, क्या अ फर्दर इशू इसके अंदर आपका भी और क्या आ सकता है देखते हैं भाई। IAS 19 स्टेट्स पहले से पहले दैट व्हेन एन एंटिटी हैज अ सरप्लस इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान इट शुड मेजर द डिफाइंड बेनिफिट ऑफ द एसेट एट द लोअर ऑफ। ठीक है, जब आपके पास सरप्लस आ जाता है तो सरप्लस जो है वो मेजर होगा। दो चीजों को यहाँ पे अपने ख्याल रखना, पहला लोअर ऑफ उठाएंगे सरप्लस इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, और एसेट सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे एसेट सेलिंग जो है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, अदरवाइज इन प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको डिस्काउंट फैक्टर यूज करते हुए आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होगे किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। आ जाएं अब फर्दर आगे बात करें। अब फर्दर इशू कैन अराइज व्हेन एन प्लान अमेंडमेंट कर्टेलमेंट और सेटलमेंट अकर्स एंड एंटिटी शुड रिकग्नाइज एनी पास सर्विस कॉस्ट और गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट इन प्रॉफिट और लॉस इन प्रॉफिट। इन डूइंग सो एंटिटी शुड नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑन द एसेट सेलिंग आफ्टर द प्लान अमेंडमेंट कर्टेलमेंट और सेटलमेंट हैज बीन अकाउंटेड फॉर द एंटिटी शुड देन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एसेट सीलिंग।
ठीक है, एक फर्दर इशू आपके क्या अराइज हो सकता है, अमेंडमेंट में, कर्टेलमेंट में, सेटलमेंट में, कि एक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकग्नाइज करेगी पास सर्विस कॉस्ट को, गेन और लॉस जो है सेटलमेंट में आ रही होगी, और इसको करने में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना होगा अफेक्ट किसका जो एसेट सीलिंग पे पड़ना है, और प्लान अमेंडमेंट के बाद, कर्टेलमेंट या सेटलमेंट के बाद आपको डिटरमाइन करना होगा उस एसेट सीलिंग पे उसका फैक्ट। ठीक है, अब जो प्लान अमेंडमेंट है, कर्टेलमेंट है या सेटलमेंट है, वो रिड्यूस कर सकती है, वो क्या कर सकती है, वो रिड्यूस कर सकती है आपका सरप्लस, जो के आप इम्पैक्ट करेंगे किस पे इम्पैक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है कि किस तरह एसेट सेलिंग आपकी मेजर हो रही है, किस तरह आपकी एसेट सेलिंग मेजर हो रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो हमारे पास एग्जांपल आ रही है, अपोलाइन कंपनी मैनेजर्स अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉइज एट 1 जनवरी 2000 एट द फेयर वैल्यू ऑफ द पेंशन स्कीम एसेट्स वर एस्टिमेटेड टू बी 137 मिलियन। ठीक है, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेंशन स्कीम लाइबिलिटीज वर 122 मिलियन, एसेट सीलिंग हैज बीन कैलकुलेटेड एट 4 मिलियन, डिस्काउंट रेट ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज 4 मिलियन, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्कीम फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2008, कैश कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 7 मिलियन, बेनिफिट्स पेड कितने हैं 6 मिलियन, करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है 5 मिलियन, एट 31 दिसंबर 2008 द एसेट सीलिंग हैज बीन कैलकुलेटेड एट 11 मिलियन, ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ स्कीम कर्टेलमेंट व्हिच रिजल्टेड इन अ गेन ऑन सेटलमेंट ऑफ 3 मिलियन इमीडिएटली आफ्टर द स्कीम कर्टेलमेंट, द एक्चुअली वैल्यूड द स्कीम एसेट्स एज 148 मिलियन एंड द स्कीम लायबिलिटीज एज 136 मिलियन। चलें जी, अब सजेस्टेड आंसर देखो यहाँ पे मैंने इसका लिखा है रेड पेन से, और वो क्या, एट 1 जनवरी 2008 द सरप्लस ऑफ द स्कीम नेट प्लान एसेट इज 15 मिलियन आ रहा है, किस तरह 137 माइनस 122, हाउ एवर द एसेट सीलिंग इज 4 मिलियन, सो द नेट डिफाइंड बेनिफिट पेंशन एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस फिगर। अच्छा जी, आगे क्या बोले, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग एसेट विल बी, इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग एसेट विल बी बेस्ड इन दिस फिगर एट 4 मिलियन इंटू 4% 160,000 एंड विल बी रिकग्नाइज इन पीएनएल, द कैश कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 7 मिलियन विल बी एडेड टू द स्कीम एसेट्स एंड द करंट सर्विस कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन चार्ज टू पीएनएल, द बेनिफिट्स पेड ऑफ 6 मिलियन आर डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द स्कीम्स एसेट्स एंड स्कीम लिमिटाइजेशन एंड देयरफॉर हैव नील अफेक्ट, as any past service cost does not consider the effect on the asset ceiling, a gain on settlement of 3 million should therefore be recognized in PNL at 31st December, except the scheme is now valued at lower of surplus of scheme 148 minus 136. ये हमारा आ जाता है 12 million. ठीक है, अच्छा जी, और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिफंड फॉर द प्लान और रिडंडेंसी कितना है 11 मिलियन। ठीक है, यानी मैंने क्या बात करी, देखो जी के बात क्या करी कि 1 जनवरी 2000 एसेट सरप्लस ऑफ द स्कीम के नेट प्लान एसेट जो है वो कितना है मेरा 15 मिलियन आ रहा है, 137 माइनस 122। अच्छा जी, एसेट सीलिंग कितनी थी 4 मिलियन, नेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान एसेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है फिगर, और इंटरेस्ट जो है ओपनिंग एसेट का वो बेस्ड हो रहा है किस पे, फिगर पे 160,000, 4 इंटू 4 मिलियन एंड विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस, कैश कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 7 मिलियन के वो एड हो रहे हैं स्कीम्स के, और करंट सर्विस कॉस्ट जो है 5 मिलियन की चार्ज हो रही है पी एन एल पे, बेनिफिट जो के पे हो रहे हैं 6 मिलियन के वो डिडक्ट होंगे फ्रॉम द स्कीम्स एंड एसेट एंड स्कीम लाइबिलिटीज। अच्छा जी, और जो पास सर्विस कॉस्ट है वो कंसीडर करेगी इफेक्ट इसकी एसेट सेलिंग की, गेन ऑन सेटलमेंट 3 मिलियन की रिकॉग्नाइज होगी पीएनएल में। अच्छा जी, अब पेंशन स्कीम जो है सरप्लस वो कितनी आ रही है 31st दिसंबर एक्सेट की समराइज हो रही है, सरप्लस ऑफ स्कीम 12 मिलियन आ रहा है। ठीक है, आपको करके दिखाया है अभी यहाँ पे 148 माइनस 136, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिफंड से कितना आ रहा है 11 मिलियन, इसका मतलब यह है कि आपका टोटल जो गेन है वो 1.84 मिलियन का, क्योंकि 9.16 मिलियन जो है
वो स्कीम का और एसेट सीलिंग का 11 मिलियन, तो 1.84 मिलियन का जो गेन है जो ओके कहाँ जाएगा, OCI में चला जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, जो कि आपके क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ICO टोकन्स। अब SBR में जो है वो बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को जी सिनेरियो दिया जाएगा जो कि ऑब्वियसली उन्होंने पहली दफा कर रहे होंगे, और इस सिनेरियो में जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि जी वो अपनी डेमोन्स्ट्रेट करे अपनी एबिलिटी डिफरेंट सिनेरियो में वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस तरह अप्लाई कर। ठीक है, अब ICO यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इसको हम लोग टोकन सेल भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन सेल भी कहते हैं। वो जी एज एन शेयर्स भी रिसीव कर सकते हैं एज एन पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो कैश भी रिसीव कर सकते हैं, और आज के दिनों में जो है वो क्रिप्टो करेंसी भी रिसीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि कॉइन ऑफरिंग्स का सीन है, जैसे कि क्राउड फंडिंग हो सकती है। ठीक है, अब टोकन्स जो है वो आपके डिजिटल एसेट बेस्ड होते हैं, ठीक है, वही इस तरह की कह लें जी लॉजिक है जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज की, बिटकॉइन की, जिसकी कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती। अच्छा जी, अगर ICO आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो ये शेयर्स जो हैं यानी ये टोकन जो है वो वैल्यूबल हो जाते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू आ जाती है, और वो जैसे जैसे वो डेवलप होते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ये टोकन, अगर ये टोकन्स अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो टोकन्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो और जो पैसा रेज किया होता है व्हाइट पेपर का उसमें डिटेल्स वगैरह सारी होती हैं जी। अच्छा जी, ये भी हो सकता है कि ये किसी नई ऐप की डेवलपमेंट हो, प्रोडक्ट या सर्विस की, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट से है ट्रेड ऑफ द टोकन्स की। टोकन जो है यूजली जो है आपके वो इशूड होते हैं एक्सचेंज फॉर आइदर कन्वेंशनल करेंसी में या फिर क्रिप्टो करेंसी में, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जी फोरकास्ट हो जाए फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज वगैरह का। तो जब भी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ICO की कॉस्ट जो है वो कहाँ जाएगी, अकॉर्डिंग टू IS-38 रिकग्नाइज होगी, और जो है इशू जो है कंपनी जनरली लॉस कंट्रोल जो है मार्केट का वो कहाँ लेकर आएगी, वो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट देखेगी कितने हो रहे हैं, और फिर सब्सिक्वेंट सेल ऑफ अनसर्कुलेटेड टोकन क्या हो रहे हैं, एग्जाम्पल जो है मैनेजमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म की भी हो सकती है, और इन सारे सिनेरियोज में जो है एक्सपेंसेस जो है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के वो फर्दर कमिटमेंट्स का हम लोग देख रहे होंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट का इसके ऊपर क्राइटेरिया लगा रहे होंगे, वो फुलफिल हो रहा होगा तो हम लोग इसको कैपिटलाइज कर रहे होंगे, अदरवाइज हम लोग इसको जहन्नम में फेंक रहे होंगे, हम इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर नॉन गैप नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स और क्वार्टरली प्रेस रिलीजेस। कुछ कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, क्वार्टरली प्रेस रिलीज कर रही होती हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बिजनेस की, हम लोग क्या करने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके अंदर कुछ नॉन गैप फाइनेंशियल मेजर्स भी आ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया सोशल मीडिया कंपनीज की, जो कि रिपोर्ट करती हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना है, उसके अंदर वो जो है वो फॉरेन करीज का करेंसीज का अफेक्ट निकाल के बता रही होती हैं, यानी कि हटा के बता रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एज एन SBA स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स क्या क्या लग सकते हैं आपके, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या आपके KPI नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई सोशल मीडिया मंथली एक्टिव यूजर्स कितने, फैमिली या डेली मंथली एक्टिव पीपल कितने, फैमिली एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन कितना, रेवेन्यू बाय यूजर जियोग्राफी कितना, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बाय यूजर जियोग्राफी कितना, इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है, फ्री कैश फ्लो रिकंसिलेशन का क्या सिनेरियो है। अच्छा जी, अब जो बड़ी कंपनीज हैं सोशल मीडिया की जैसे कि फेसबुक, वो क्या कहती है, ये देखो फेसबुक कह रही है कि नंबर ऑफ देयर की मैट्रिक्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग इंटरनल कंपनी डाटा बेस्ड ऑन द
एक्टिविटी ऑफ यूजर अकाउंट्स, वो यूजर अकाउंट्स को देखते हुए कर रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं वो एलिमिनेट करें डुप्लीकेट और फॉल्स अकाउंट्स, यानी कि जो फेक अकाउंट्स हैं अपने यूजर्स पोर्टफोलियो में से, और मल्टीपल यूजर अकाउंट्स, जैसे कि भाई कुछ लोगों की दो दो प्रोफाइल्स भी होती हैं, और फिर जो डाटा है वो जियोग्राफिक लोकेशन वगैरह का है उसको एस्टिमेट करें, आईपी एड्रेसेस वगैरह को और एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर सकें एक्चुअल लोकेशन क्या है, डिजिटल कंपनीज जो हैं वो इस तरह से अपने आप को कर रही हैं, वो कन्वेंशनल रेशियोज पे जो हैं वो ज्यादा नहीं चल पा रही होती हैं, अदर देन दोज कंपनीज जिनके लिए वो अभी यूजफुल है उनके बिजनेस मॉडल ही लिया था। लेकिन अगर नहीं है, जैसे कि फेसबुक के लिए जो है वो जीबी मार्जिन क्या फायदा, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, भाई सिर्फ इस पर थोड़ी चल रहा है, और भी उधर फैक्टर्स हैं उनको और भी मेजर्स करने होते हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज से लेके अलग है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको ये समझ में आई है वीडियो तो ये आराम से अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कर सकते हैं, आई होप क्वेश्चन हो तो कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, और अदरवाइज मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मौजूद हैं, तो बाय बाय।